नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो 19.0 का अपडेट आया है, उस अपडेट के आने के बाद कई सारी चीज़ें बदलाव की गई है। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में 8 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में आप सभी को इसकी जानकारी दी थी कि क्या क्या बदलाव की गई है। ठीक है, अगर आपने पोषण ट्रैकर ऐप को 19.0 जो अपडेट आया है उसको अपडेट नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप पोषण ट्रैकर ऐप को प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लीजिएगा। तो आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो डेली ट्रैकिंग में ऑप्शन चेंज की गई है, जैसे कि THR और SEM को लेकर, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे उसको भरना है, किस लाभार्थी को हमें THR देना है, किस लाभार्थी को हमें SEM भरना है। इसकी कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है, तो आइए इस वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों को कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। जैसे कि आप बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी को ओपन करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो गर्भवती महिला है, धात्री महिला है और जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, इनको हम लोग THR देते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते ही हैं। और जो पोषण ट्रैकर ऐप में चेंजेस की गई है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक कैटेगरी को ओपन करते हैं, जैसे आप लोग पहले THR करते थे अब वैसा नहीं है, अब यहाँ पर उस नियम को बदल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े वाले में जाके THR भर देते थे, जो कि बिल्कुल आसान था, उसमें ज़्यादा कोई झंझट वाला काम नहीं था। हर सेविका बहन समझ चुकी थी किस प्रकार से THR भरना है। ठीक है, लेकिन अभी जो नियम आया है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पर, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे THR या SEM का ऑप्शन सबसे नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, पहले यहाँ समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन किस लिए दिया गया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें अगर आप नो पे सिलेक्ट कर देते हैं कि विलिंग टू टेक THR या SEM, तो नो अगर आप गलती से भी यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं तो ये जो लाभार्थी है, यानी जो ये गर्भवती है, धात्री है, चाहे जो बच्चे हैं, वो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो THR उनको फिर कभी आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे हमेशा हाँ ही रहने देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इन लाभार्थी को THR दे रहे हैं और हर महीने दे रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे हाँ सेलेक्ट रहने देना है। और जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे गलती से नहीं वाले पे सेलेक्ट कर देते हैं तो इस लाभार्थी का जो ऑप्शन है वो THR वाले ऑप्शन से हट जाएगा, यानी आप इसको फिर दोबारा कभी THR नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर जो THR में नो वाला ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ से हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे होम पेज पे, जहाँ पे हमें THR की एंट्री करनी होती है। यहाँ पे आप डेली ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है या नहीं खोलना है, ये सब आप लोग को पता है, तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, हम आते हैं मेन पॉइंट जो THR और SEM वाला है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम THR वाले पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि 5 जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को THR और SEM दोनों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है कि हमें SEM किसको देना है और THR किसको देना है। जैसे कि यहाँ पे गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चे, और यहाँ पे किशोरी लड़कियाँ, तो टोटल यहाँ पे 5 मॉड्यूल को ऐड किया गया है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे कि 3 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं, तो इनको ही हम लोग SEM देते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि SEM सिर्फ बच्चों को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी बच्चे हैं जिनको हम लोग SEM देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो बच्चे आ रहे हैं जिनका अटेंडेंस बना हुआ है उस बच्चे पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो जो डाटा है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जितने बच्चों को आप SEM देंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कितने बच्चे को आपने SEM दे दिया है। अब यहाँ पे आते हैं जो पहली कैटेगरी है गर्भवती महिला वाली, तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में THR का जो नियम है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग 2 ऑप्शन देख रहे हैं कि एक SEM का है और एक THR का है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही SEM दिया जाता है जो पढ़ने आते हैं, तो उनको छोड़ कर हमें बाकी किसी को भी SEM नहीं देना है। अभी ये जो अपडेट आया है, न्यू अपडेट, इसमें ये गलत जानकारी इसमें अभी आप लोगों को दिखा रहा है। इसका जो वीडियो है वो विभाग तक पहुँचेगा कि इस प्रकार से जो लाभार्थी हैं उनके पास ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जल्द से जल्द यहाँ पर उसका सोल्यूशन बताएँगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है,
और जैसे कि हम यहाँ पे THR पे क्लिक करते हैं, तो THR पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि दो ऑप्शन खुल के आ जाता है, 7 दिन और 15 दिन। तो देखिए बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो लाभार्थी है जिनको हम लोग सूखा राशन देते हैं यानी कि THR, उनको THR देने के लिए यहाँ पे 25 दिनों की संख्या हमें भरनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो दो ऑप्शन शो कर रहा है, इन दोनों ऑप्शन को जोड़ने के बाद भी यहाँ पे 25 दिन नहीं हो पा रहा है, या फिर यहाँ पे आप दो बार 7-7 दिन करके या 15-7 करके ऐसे कुछ करके आप लोग इसको सबमिट करते हैं तो ये आपका 25 दिन नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है या फिर कम हो जा रहा है। कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे जो THR का जो नियम है वहाँ पे 23 दिन दिया जाता है, कहीं पे 28 दिन का होता है, कहीं पे 30 दिन का होता है। तो इस प्रकार से जो ये अपडेट है तो इसमें जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो रही हैं कि हम इसको कैसे भरेंगे। तो अभी आप लोगों को इसको भरना नहीं है, और जैसे कि हमने कई वीडियो में देखा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो लाभार्थियों को हम लोग THR दे रहे हैं उनको SCM भी देना है, तो SCM उन लोगों को नहीं देना है, सिर्फ हम लोगों को THR देने की ही अनुमति है, तो हम लोग SCM नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 25 दिनों की संख्या पुरानी है वो आप यहाँ पे 7 दिन का जो ऑप्शन है उसको 3 बार देंगे, यानी कि 3 बार इसको सबमिट करेंगे तो 70 का 21, और 4 बार यहाँ पर आपको SCM सेलेक्ट कर लेना है तो आपका यहाँ पर 25 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सही जानकारी नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, अभी फ़िलहाल आप लोग वेट कीजिएगा। और जो लोग ऐसा बता रहे हैं, अभी किसी को भी प्रॉपर जानकारी नहीं मिली है कि ऐसा ही भरना है, ठीक है। इसका जो रिपोर्ट है वो विभाग तक पहुंचेगा तो बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए इसका कोई सोल्यूशन ज़रूर आएगी, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर 25 दिन का ऑप्शन हो सकता है कि एड हो, या फिर इसके रिगार्डिंग जो सही जानकारी है वो आप तक मिलेगी। हमने आपको क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है जिससे कि आप लोग समझ जाएँ और कोई भी गलती ना करें। आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इस प्रकार की नई नई वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।